subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर Tag TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, Tag TV अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। Tag TV को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मसला इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ के सिलसिला में आता है। अब तक कोई ढकी छुपी बात नहीं, हजारों लोग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हाथों डिसअपीयर्ड हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान में। और अगर पाकिस्तान के दीगर इलाकों की बात की जाए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध को, कराची हो, वहाँ से भी हज़ारों लोग डिसअपीयर्ड हैं। बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स, डिसअपीयर्ड पर्सन और उनकी फेंकी जाने वाली लाशों की दास्तानें इंटरनेशनल मीडियाज पर भी गाये बगाहे आती रहती हैं। ये वो मामला है जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। बलूचिस्तान की जो तहरीक आज़ादी की जो मूवमेंट है, उनके साथ उनका क्या सलूक है या क्या डायलॉग है, वो एक अलग बहस है। मगर जिन घरों से लोगों को उठा लिया जाता है, उनकी माएँ, बीवियाँ, बहनें, बेटियाँ इंतज़ार ही करती रहती हैं, उनको कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि वो अफराद जिंदा हैं या किसी इज्तमाई कब्र का हिस्सा बन चुके हैं या किस हालत में हैं या हेलीकॉप्टर से, जहाज़ों से नीचे गिराए जा चुके हैं। ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को इस मसला की तरफ कम अज़ कम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही सोचना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि कुदरत की लाठी बेआवाज़ होती है। आप किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हों, वो जो एक कर्मा का कॉन्सेप्ट है, वो जो एक जवाबदही का कॉन्सेप्ट है, वो कुदरत भी आपसे लेती है। आज के शो में हम बातचीत करेंगे उन्हीं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, और मैं ख़ास तौर पर अपने साथ स्काइप पे आपके साथ जोड़ूंगा एक ऐसी ही बेटी को जिसका बाप 11 साल से लापता है। उस बेटी का नाम है सामी बलोच, जो डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी हैं और 11 साल से इंतज़ार कर रही हैं कि उनके बाप की कोई खबर, कोई इतला तो मिले। बहुत छोटी बच्ची थी जब उन्होंने लॉन्ग मार्च में भी हिस्सा लिया, जो मामा कदीर उस हवाले से जाने जाते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो लिंक पर हम लेंगे सामी दीन मोहम्मद को। मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर स्काइप से, कोयटा से, बलूचिस्तान से मौजूद हैं सामी बलोच, जो डॉक्टर दीन मोहम्मद की साहबजादी हैं। सामी, आज 11 साल हो गए आपके वालिद को लापता हुए, आपकी, आपके घर वालों की क्या कैफियत है? सबसे पहले मैं टैग टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया अपनी बात दुनिया तक पहुँचाने का। हमें सबसे ज़्यादा जो गिला शिकवा होता है मीडिया पर होता है कि वो हमारी आवाज़ नहीं पहुँचाता। जिस तरह आपने जिक्र किया कि मेरे वालिद हैं डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, वो एक डॉक्टर हैं और उनको जो है 28 जून 2009 को दौरान ड्यूटी अस्पताल से उठाया गया था। तो उसके बाद से जो है आज इस अरसे को 11 साल से ज़ायद अरसा हो गया है और इससे हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि घर का एक सरबरा जो है लापता होता है, उसके बच्चे छोटे उम्र के होते हैं और वो किस तरह से जो है उनकी क्या कैफियत हो सकती है। मतलब अब आप देखें कि हम जो है, हमारे वालिद
जब से लापता हुए हैं उसके बाद से ना सिर्फ हम अपने घर में हमने ना कभी चैन सुकून देखा है अपनी वालिद की गैर मौजूदगी में, ना हम उनके प्यार से महरूम रहे हैं, हम उनकी जो है मौजूदगी से महरूम रहे हैं, हमने वो बाप का प्यार शफकत भी नहीं देखा है। उसके बाद से जो घर में हमें मसाइल दरपेश हुए हैं, वो जिस तरह से एक एक लम्हा हमारे लिए तकलीफ़ का बायस हुआ है, एक एक लम्हा जो है हम इस खौफ में मुब्तला हैं कि कभी के कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो हमें लगता है कि शायद हमारी अब्बू आए हैं, कोई फ़ोन कॉल आता है तो उससे हमें लगता है शायद हमारी अब्बू की कोई ख़बर है, या कोई और जो अफवाहें चलती हैं उनसे हमारी दिन रात की जो है ये तकलीफें और बढ़ती जाती हैं। और इससे इसके साथ साथ जो घर में हमें मसाइल दरपेश हैं उनसे मेरी वालदा या हम सब सब जो है पेशेंट्स हैं, हम लोग बिल्कुल दिमागी मरीज बन चुके हैं, हम लोग गोलियां खाते हैं नफसियाती, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे वालिद सिर्फ उनको लेकर गए हैं, वो तकलीफ में नहीं है, वो अजियत खानों में नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में उनके ख़ानदान वाले, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके रिश्तेदार किस जो है अजियत में मुब्तला हैं। ये बताइए कि आपने, आपके घर वालों ने राबता किया कभी सरकार से या पुलिस से, कभी आपको मालूम हुआ कि कुछ सुराग मिला हुआ आपको कि वो कहाँ हैं, क्या जवाब मिलता है आपको? जी मेरे वालिद का FIR दर्ज हुआ है, जिस इलाके से उठाया गया था मेरे वालिद को वहाँ के पुलिस स्टेशन से मेरे वालिद का FIR दर्ज हुआ है। उसके बाद से मेरे हमने पिटीशन दायर करवाई है क्वेटा प्रेस क्लब, क्वेटा मतलब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, और हम लोग वहाँ पे गए हैं, 3 साल तक हमने पेशियाँ दी हैं वहाँ पे। जब कुछ नहीं हुआ तो हम जो है फैमिलीज हम लोग इस्लामाबाद गए, वहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुई है, वहाँ की पेशी हमने वहाँ पर जस्टिस जावेद इकबाल साहब थे, उन्होंने ये जो है खुद सुनवाई दी कि ये कोर्ट को ऑर्डर दिया कि जो है 10 दिन के अंदर इनके लोग बाजियाब होने चाहिए, लेकिन उस 10 दिन को मतलब अभी वो जो 10 दिन उन्होंने कहा था अभी उसको 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो हमने जो है हुकूमती अहदेदारों से रब्ता किया है, हमने जो है UN वालों से रब्ता किया है, हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल वालों से रब्ता की है कि हमारे अबू के मतलब हमारे अबू ने जो कुछ किया है तो उसको जो है अदालतों में पेश करें। यहाँ की अदालतें क्यों बनाई गई हैं? इंसाफ के लिए बनाए गए हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरे वालिद ने कुछ किया है इस रियासत के खिलाफ तो आपकी अदालतें हैं, आपका कानून है, आपका आईन है, उसके तहत आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। लेकिन ये दुनिया मतलब कौन सा तरीका है कि आप जो है सालों साल किसी को लेकर जाएं, उसके बाद जो है उसके घर वालों तो को तक ये नहीं मालूम कि वो जिंदा हैं और उनको कत्ल कर दिया गया है। कम से कम हमें इस जो है ज़हनी अज़ियत में मुब्तला तो ना करें जिससे हमें हमारी ज़िंदगी के ये 11 साल एक एक लम्हा हमने जो है किस खटन हालात में गुजारा है। तो हमारी ये दरख्वास्त रही, हम इतने अरसे से हम बस यही कहते आ रहे हैं सबसे कि जो है जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ किया है, आपकी अदालतें बनी हैं, आप अदालतों के सामने पेश करें, लेकिन हमें कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। यहाँ की अदालतें यहाँ पे मिसिंग पर्सन का जो कमीशन बना था उसमें और जो है जितने हुकूमती अहदेदार हुए हैं, जितने सूबे के बड़े लोग हैं, हम सबसे मिल चुके हैं, सबसे हमने बात की है, लेकिन हर कोई इस पे नाकाम है और कोई इस मसले पर बात नहीं करना चाहता, किसी के लिए ये कंसर्न नहीं है जो है मिसिंग पर्सन इशू। लेकिन हम जिस अजियत से गुजर रहे हैं हम इस पे खामोश नहीं रह सकते, हम जो है इस पे बात करते रहेंगे। कभी हुकाम ने, खास तौर पर पुलिस ने या एस्टेब्लिशमेंट के किसी इदारे ने तस्लीम किया कि आपके वालिद को वो उठा के ले गए थे? कभी किसी ने कहा कि वो उनकी दस्तरस में है, तहवील में है? जी नहीं, इस तरह तो कोर्ट में भी जब पेशियां होती रहीं वहाँ पे भी सिक्योरिटी इदारों को बुलाया जाता था, वहाँ पे भी वो इस बात से इनकार करते थे कि मेरे वालिद उनकी कस्टडी में नहीं है। लेकिन जिस तरह से मेरे अबू को लेकर गए हैं, मेरे अबू को लेकर जाने से पहले भी मेरे अबू को थ्रेट्स मिलते थे, उसके बाद जिस हालत में मतलब रात के 1 बजे बगैर कमीज़ के बगैर जो है
चप्पलों के जो जिस तरह मेरे अबू को ठाकर लेकर गए थे, और हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है हमें कि हमें इस बात का खदशा हो। इसके बाद जो है रियासत तो डिनाई करती आ रही है कि मेरे वालिद उनके पास नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने खुद हम उन लोगों से मिले हैं जो कि टॉर्चर सेलों से निकल कर बाहर आए हैं बाकायदगी से। उन्होंने हमें खुद कहा है कि उन्होंने मेरे वालिद को देखा है, वहाँ उनके साथ उनके अंदर रहा है, उन्होंने खुद देखा है। तो हम इस बात को कैसे मान सकते हैं कि हमारे वालिद उनके पास नहीं है। दरमियान में हमारे अबू के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगे कि मेरे वालिद जो है फरारी कैंप्स में हैं। तो इस बात को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि अगर डॉक्टर दीन मोहम्मद किसी फरारी कैंप में है तो उसके लिए जो है आप प्रूफ लेके आए। जब जो ये हुकूमत इस बात को साबित करने में नाकाम रही तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी रिजेक्ट किया, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे साथ हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारे लोग, हमें तो हर तरह के प्रूफ हैं, हमारे जो है लोग रियासत के पास हैं, तो हम उनके लोकेशंस तक जानते हैं कि किस साल में उनके वो जो है कहां पर किस रीजन में रहे। तो हमें इस बात का पूरा अंदाजा है कि हमारे लोग रियासत के पास हैं, रियासत के टॉर्चर सेलों में हैं। बस हमारी उनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे लोगों को सामने लाओ, मंजर यहाँ पर लाओ, उन पर जितने भी एलिगेशन है हमें उनमें उनसे कोई एतराज़ नहीं, आप उनको सजाएं दे। लेकिन आप समझते हैं कि गुनहगार वो है ना जिसने गुनाह किया, अगर उसने रियासत के खिलाफ कोई बात की है तो ठीक है, सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में जिस कर्ब से, जिस अजियत से उसके घर वाले, उसकी पूरी फैमिली गुजर रही है, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप दूसरे भी मुजरिम हैं, आप उनको जेलों में डालते हैं, उनको सजाएं मिलती हैं, उनको फांसियां मिलती हैं, लेकिन उनके घर वाले तो इस अजियत में मुब्तला नहीं है ना कि उनके उनके लोग किस हाल में हैं। उनको उतना उनका खबर तो है कि वो आए जिंदा हैं या भूख से मरे हैं या किस हालत में है, किस तरह है। हम चाहते हैं कि बस हमें ये पता चले कि हमारे लोग ये 11 सालों में कहाँ है, किस हाल में है, और खुदा हमें ये बता दिया जाए। आपने कहा कि हमारे लोग, यानी ये बात सिर्फ आपके वालिद की मिसिंग की हद तक ही नहीं है, जो इर्द गिर्द भी आपके जो बलोच मिसिंग्स हैं ख़ास तौर पर बलोचिस्तान में, वो सारे का सारा अब आपका भी कंसर्न है, क्योंकि आप उस दर्द को महसूस कर सकती हैं, चूँकि आप ख़ुद अपने वालिद की मिसिंग के बाद देख रही हैं कि कितनी अजियतनाक ज़िंदगी होती है। तो ये जो आप कहती हैं कि हमारे लोग, इसको आप एक मूवमेंट के तौर पर भी ले रही हैं। एक लॉन्ग मार्च मुझे याद आता है, जब आप बच्ची होती थी, यानी अभी भी आप कम उम्र खातून हैं, जब आप बहुत छोटी होती थी, तब आपने अपने बाप की बाजियाबी और उन लोगों की बाजियाबी के लिए एक लॉन्ग मार्च भी में हिस्सा लिया, तो उसका क्या नतीजा निकला? जी, ये लॉन्ग मार्च 2013 में हुआ था, अक्टूबर के महीने में। ये क्वेटा से कराची तक पैदल होके आया। जब हम यहाँ पे पहुँचे, हमने देखा शायद हमें कोई रिस्पांस मिलेगा हुकूमत की तरफ से, हमारे लोगों की बाजियाबी में कोई किरदार अदा किया जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हमें बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तब हमने फैसला किया कि हम फिर कराची से इस्लामाबाद तक पैदल जाएंगे। हमारे लिए ये सफ़र इतना खटन था कि मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे जो है पाँव के नाखून तक गिर गए थे हमारे पाँव, मतलब जिस हालत में हमने ये सफ़र तय किया 116 दिनों में, हम जो है किस मौसम में, हम रात को किस तरह गुजारते थे सड़कों पर, दिन को हम पूरा दिन पैदल चलते थे, हम सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि हम शायद यहाँ से इस्लामाबाद तक जाएँ, शायद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जो शायद यहाँ पे बलूचिस्तान तक, कराची तक, अच्छी तक हमारी बातें नहीं सुनते हैं, उनको शायद हमारी चीखें सुनाई नहीं देती हैं, तो शायद हम इस्लामाबाद जाएं, वहाँ पर जो बड़े बड़े हुकूमती अहदेदार रहते हैं, वहाँ पर उनकी जो है कानों तक शायद ये बात जाए। लेकिन हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हम जो है मीडिया का रिस्पांस भी वहाँ पर थोड़ा अच्छा था, और यूएन वालों से हम मिले, यूरोपीय यूनियन वालों से हम मिले, लेकिन रियासत की तरफ से उस वक्त जिस तरह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ
साहब थे, तो उन्होंने जो है हमें मिलने के लिए कहा कि आप आए हमारे साथ मिलें। तो सबसे पहले हमारी बात ये थी कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो पहले आप हमें ये यकीन दहानी कराएं कि आप हमारे लोगों की बाजियाबी में कोई किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं। अगर आप हम आपसे मिलेंगे, आप हमें ये कहेंगे कि आप जो है इस पर बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो जो है हम आपसे फिर मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उस बात पे उन्होंने कहा था कि जो है हम इस पर बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसके अलावा कोई किसी हुकूमती अदादार ने किसी ने कोई जो है रिस्पांस नहीं दिया, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। हम ये समझते थे कि हम जो है इतना बड़ा सफ़र करके 3000 किलोमीटर का पैदल लॉन्ग मार्च करके हम इस्लामाबाद तक जाएंगे, शायद वहाँ तक कोई हमारी इस तकलीफ़ को, कोई हमारी इस दर्द को समझेगा, लेकिन वहाँ तक भी किसी की जो है कानून तक मतलब ये बात नहीं पहुंची। तो आपने कहा कि आपने इतनी बड़ी जद्दोजहद की, 16 दिन का सफ़र किया, पाँव के नाखन तक गिर गए और हुक्मरानों को कोई होश नहीं आई, उन्होंने किसी किस्म के इंसाफ को आप तक पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं किया। जो बलोच लीडरशिप है, जो आपकी पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असम्बली है बलूचिस्तान में, या जो बलोच आपके नुमाइंदे फेडरल गवर्नमेंट में जाते हैं, वो आपकी बात को भी उसी तरह जवाब देते हैं जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने दिया कि बेबस हैं? जी देखिए, बलूचिस्तान में भी जितने लोग हैं वो भी यही समझते हैं कि लापता अफराद का जो मसला है उसके ऊपर वो बेबस हैं। आप शायद देख चुके होंगे कि अख्तर मेंगल साहब एक अरसे से उनके कुछ नुकात थे, उनमें एक नुकात था कि उस पर जो है बलोचों की जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनकी बाजियाबी का, तो जो है उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं मिला। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जितने भी बलोचिस्तान में भी जितने हुकूमती अहदेदार हैं, जितने पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, वो भी इस मसले पर जो है बेबस हैं, वो भी इस पर कुछ नहीं कर सकते। इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि एमनेस्टी वाले बात भी करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी बात करता है, कुछ हो नहीं पा रहा। आप लोगों की जो दुख है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसके लिए इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या तोको है आपको दुनिया से, कैसे आपको ये इंसाफ मिले, आपकी क्या अपील है दुनिया के? जी हम तो जो है इस बात को जिस वक्त से हमारे अबू को लेकर गए उस दिन से हम ये बात कहते हुए, ये दरख्वास्त करते हुए, फरियाद करते हुए आ रहे हैं पूरी दुनिया से, जितने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उनसे अपील करते हुए आ रहे हैं कि जो है आप जो है इंसानी हकूक की बात करते हैं, आपके लिए इंसानी हकूक माने रखता है, तो हम बलूचिस्तान से भी जो है इंसानी हकूक हम भी डिजर्व करते हैं, आप हमारे लिए भी आवाज़ उठाएं। तो हम जो है ये कह रहे हैं कि हमारे लोग जहाँ पर भी हैं, आप इस रियासत को, आप पाकिस्तान पर प्रेशर डालें, आप उनसे कह दें भाई आपको वो अथॉरिटीज हैं आप कि आप ये पूछ सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। हम सालों से ये चीखते हुए आ रहे हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन आपके पास ये अथॉरिटी है, आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ये लोग कहाँ हैं, ये लोग क्यों इतने अरसे से लापता है, इनके घर वाले इस अजियत में क्यों मुबतला है। मैं और मेरी छोटी बहन हम जो है 10 सालों से हम कभी भूखर ताली कैंप्स में, कभी पैदल लॉन्ग मार्चों में, कभी जो है प्रेस क्लबों के सामने बैठते हुए हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई। इसमें हमारी तालीम किस तरह मुतासिर हुई, हम लोग अपने घर में किस तरह से जो है हमने एक जिंदगी गुजारी है, इसका सिर्फ अंदाजा हमें है। तो वो इस बात को पूछ तो कम अज़ कम सकते हैं कि ये लोग इतने जो है अजियत में मुबतला है, इनके लोग कहाँ हैं, इनके लोगों को मंजर यहाँ पर लाएं। हम भी यही कह रहे हैं कि हमारे लोगों को मंजर यहाँ पर लाएं, अगर उन पर कोई एलिगेशन है तो आप बेशक उनको सजा दें, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि आप उनको एटलीस्ट सामने तो ले आए। हमारी जो है दुनिया से, इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज हमारी जो है हम जिस दर्द से गुजर रहे हैं, हमारी दर्द को महसूस करने की कोशिश करें और इस रियासत पर दबाव डालें कि हमारे लोग कहाँ हैं, उनसे पूछें। आप पूछ सकते हैं इस बात को, उनसे पूछें कि हमारे लोग जहाँ पर भी हैं उनको मंजर आम पर लाएं। आखिर में कोई ख़ास बात मज़ीद ज़ोर देने के लिए आप कहना चाहें, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए? अगरचे आपने अभी बहुत वाज़े तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए अपना पैगाम दिया, लेकिन कोई बात जो आप चाहती हैं
कि ज़रूर उस पर ज़ोर दिया जाए, ज़रूर ज़ोर दें। जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्योंकि बलोच जो है अरसे से इस लापता मसले को जो है सहते हुए आ रहे हैं। बलोच के लोग जो है 1970 से जो है लोग लापता हुए आ रहे हैं। 2001 से तो ये सिलसिला तेजी से शुरू होता हुआ आ रहा है, तो इसमें हजारों लोग लापता हैं, हजारों लोगों की मशकशुदा लाशें सामने आई हैं, इसमें मास ग्रेव सामने आई हैं। तो हम हमारी दुनिया से यही अपील है, मैं यही चाहती हूँ कि आप इस पे जो है बात करें इस मसले पर। हम भी जो है डिजर्व करते हैं ह्यूमन राइट्स, हमारी भी कुछ हकायक हैं। हम वो हकायक जी रियासत हमें नहीं दे सकती, तो हमारे तवक्कुआत आपसे हैं। आप हमारे लिए बात करें, आप हमारे लिए बात कर सकती हैं, हमारी आवाज़ बन सकती हैं। हम इतने अरसे से बात कर रहे हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रही, तो लिहाजा आप इस पे बात करें। और हमें उम्मीद है कि इतने अरसे से जब हमारी बात को आप इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे, आप इस पे जो है एक्शन लेंगे और हमारे लोग आपके थ्रू ही सामने आ सकते हैं। अगर हमारे लोग हमारे कहने पर या अगर इस रियासत से जो है मांगने पर अगर आते, तो ये 11 सालों में मेरे वालिद आ जाते। जिस तरह की हमारी एक जो है लंबी जद्दोजहद होती हुई आ रही है, हमारी पूरी ज़िंदगी इस जद्दोजहद में अपने वालिद की बाजियाबी के लिए गुजरी है। अगर इस अरसे में ये रियासत अगर हमें इंसाफ दे सकता, तो शायद कब का दे चुका होता। अभी हमारी उम्मीदें दुनिया से हैं, HR एक्टिविस्ट से हैं, सबसे है कि वो हमारे लिए आवाज़ उठाएं। जिसके लिए भी अगर इंसानी हकूक थोड़ी भी कंसर्न रखती है, तो वो इस पर लिहाजा आवाज़ उठाएँ और हमारा साथ दें। हमारी आपके लिए दुआएं भी हैं, नेक तमन्नाएं भी हैं, और हम आपकी आवाज़ उठा भी रहे हैं और मज़ीद उठाएंगे। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं अपने इस शो के ज़रिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ये अपील करता हूं कि वो अब कम से कम इस पुकार को सुन लें, इससे पहले कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें, बैनुल अक़वामी ममालिक उन पर दबाव को बढ़ाएं, वो ख़ुद ही इस हकीकत को जान लें कि मज़लूमों पर ज़्यादा ज़ुल्म करना उनके अपने हक में भी बेहतर नहीं है, और उससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा ना तो पाकिस्तान की रियासत को हो रहा है, बल्कि मज़लूमों की जो आहें हैं वो बांग्लादेश से बलूचिस्तान तक आते आते उनको ख़ुद नुकसान पहुँचाएँगी। ये अपील पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से है कि जब भी कोई भूला हुआ रास्ते पर वापस आ जाए तो उसके लिए भी अच्छा होता है, और अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भूली हुई है और अपनी ताकत के नशे में चूर है, तो खुदा के लिए, इन मासूम लोगों के लिए, इन बेबस लोगों के लिए बस कर दें। जुल्म की एक इंतहा होती है। बहरहाल मिसिंग पर्सन की इस मूवमेंट को जिन्होंने परवान चढ़ाया और जिन्होंने आवाज़ उठाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, वो मामा कदीर हैं। थोड़ी ही देर में वक्फे के बाद हम मामा कदीर से बातचीत करेंगे और इस मसले को समझने की और जानने की मज़ीद कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बलूचिस्तान से मामा कदीर बलोच, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। मामा कदीर बलोच वो शख्सियत हैं जिन्होंने मिसिंग पर्संस इन बलूचिस्तान की बाजियाबी और दुनिया भर में आगही कि किस तरह वहाँ पर हज़ारों लोग मिसिंग हैं, वो आगही पूरी दुनिया तक पहुँचाई। और सबसे अहम मसला जो यहाँ पर हमें कनाडा में बैठकर जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं या मामा कदीर वहाँ पे बैठ के बात करें, वो ये है कि अगर ये मिसिंग पर्सन जिनको मुबैना तौर पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों ने उठाया है, अगर इनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमात हैं, तो इनको दुनिया के बाकी सिविलाइज लॉज के मुताबिक वो मुकदमात FIR या जो भी मुकदमे हैं वो अदालतों में पेश करें, मुचलके पेश करें और इनको सामने लाएं, ताकि इनके ख़ानदानों को, इनके अजीज़ों को, दोस्तों को और पूरी दुनिया को पता चले कि ये लोग मिसिंग नहीं हैं, ये सामने हैं। ये हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से अपील करते हैं और बार बार करते हैं। हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ये नहीं कहते
कोई आज़ादी की बात, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप इस पे बात करें कि जो मिसिंग लोग हैं अगर इनके खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाइयों की बुनियाद पर आपने उनको गिरफ़्तार किया है तो गिरफ्तारी पेश करें, उनको लापता ना करें। मगर बदकिस्मती से हज़ारों बलोच अब तक ना सिर्फ लापता हो चुके हैं, सैकड़ों हज़ारों लाशें मिल चुकी हैं। और मामा कदीर मेरे साथ हैं। जी मामा कदीर, मैंने एक तमहीद बांधी, आप ये बताइए कि ये जो मूवमेंट और वो जो आपका लॉन्ग मार्च 2013 का था, मैंने अभी सामी डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच जो उनकी साहबजादी उनसे भी बातचीत की, तो वो लॉन्ग मार्च कितना आपको समरावर लगता है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कानों पर कितनी जूंगी जैसे मुहावरे में कहते हैं? देखिए, हमने जब लॉन्ग मार्च की, पहले तो हमें 2009 से ये एहतजाज अपना पुरामन एहतजाज शुरू किया था भूख हड़ताली कैंप मिसिंग पर्सन के हवाले से उनकी बाजियाबी के लिए, तो यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने आखिर में तय किया कि एक थोड़ा सा आगे भी अपनी इस मूवमेंट को ले जाएं ताकि लोगों को पता चले और हुकूमत पाकिस्तान को पता चले और पाकिस्तानी अदारों को भी पता चले कि यहाँ के लोग मिसिंग हो गए हैं। तो हमने ये तय किया 27 अक्टूबर 2013 को हमने यहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू की। तो इसमें मेरे साथ लवाइकिन भी काफी थे, जिस तरह अभी आपने बात की कि समी बलोच का जो डॉक्टर दीमामा की बेटी या जाकिर मजीद की बहन फरजाना मजीद या अली हैदर जो कमसन बच्चा था वो उसका वालिद भी लापता था, तो इस तरह के बहुत से लवाइकी मेरे साथ थे। हम निकले पर उम्मीद हो के कि हम ये कदम जो उठाएंगे पर अमन एहतजाज लॉन्ग मार्च करेंगे, शायद हमारी सुनवाई हो बैनुल अक्वामी सतह पे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हुकूमत पे। लेकिन जब हमने लॉन्ग मार्च की तो हम हैरान थे कि हमें तरह तरह की मुसीबतें सामने आने लगी, धमकियां भी, उठाने की धमकियां, मारने की धमकियां, पता नहीं क्या क्या। खैर हम लोगों ने हिम्मत बांधी और बेटियों बच्चों को मैंने कहा कि हिम्मत से काम लेना है। आखिर ये करते करते कराची तक हम पहुंच गए। जब कराची पहुंचे तो वहां बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ शामिल हुए और यहाँ बलूचिस्तान में भी काफी लोग हमारे साथ ही थे, कभी 10,000 कभी 12,000 कभी 20,000 के लगभग लोग हमारे साथ लॉन्ग मार्च में शरीक होते थे। तो आखिर हमारी तादाद तो कम थी जब हम शुरू किए, 25-30 आदमी थे मेरे साथ बच्चे बच्चियों के साथ। जब हम कराची पहुंचे तो कराची में हमें कैंप लगाए, वहां बैठे रहे कि हमें 10 दिसंबर का इंतजार था इंसानी हकूक के हवाले से कि ये मना के आखिर गवर्नमेंट शायद हमसे कुछ बात करे। तो इसी में उस वक्त के साबिका चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब, चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, वो कराची आए एयरिंग के लिए। उनका उस वक्त जो था वजीर दिफा का ओहदा नवाज शरीफ के साथ था, उन पास था। तो उन्होंने उसी जब चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया तो उन्होंने रातुनाथ ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा बना के भेजवा दिया कराची कि आप जाएं और पेश हो जाएं। तो हमारा कैंप लगा हुआ था, ख्वाजा आसिफ साहब आए वजीर दिफा पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि पहले आप जाके लापता अफराद का कैंप लगाया हुआ है मामा कदीर और बच्चियां 700-800 किलोमीटर लॉन्ग मार्च करके आए हैं कराची तक, उनसे पहले पता करें फिर आके मुझे बता दें सारा बात। तो ख्वाजा आसिफ साहब आए हमारे कैंप में, बैठे गए, हाल-ए-अहवाल किया, हमने सब कुछ उनको बता दिया कि इतने लोग हमारे मिसिंग हैं, इतने लोगों को शहीद किया गया है और इतने बकाया अकूबत खानों में बंद है। तो उन्होंने हमें तसल्ली दी कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, बच्चियों के सर पे हाथ रखा कि मैं आपको यकीन से कहता हूं जब मैं इस्लामाबाद जाऊंगा वहां बात करूंगा मुक्तदरा लोगों से और नवाज शरीफ साहब से, इंशाल्लाह आपके बाप भाई बेटे जो भी लापता हैं वो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। तो हमें तसल्ली हुई, हम इंतजार करते रहे।
तो जब ये गए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमने इनको तसल्ली दिया इंशाल्लाह ये मसला हम हल कर देंगे। जब 10 दिन गुजर गए तो उन्होंने जाके वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में कि जी कोई मिसिंग पर्सन हमारे पास नहीं है, ये लोग ऐसे ही खामखा लॉन्ग मार्च करते हैं और हुकूमत को बदनाम करने के लिए। हमने कहा वहां चौधरी साहब ने आपको कहा और यहाँ आप हमें तसल्ली दी और यहाँ आप आके अपना बयान ही बदल दिया। तो फिर हम लोगों ने रखते सफर बांधा और कहा कि अभी इस्लामाबाद तक जाके उनको उधर ही उनके गोश गुजार करेंगे कि ये है हमारा मिसिंग पर्सन का लिस्ट और ये हमारे वो हैं। तो वहां से हम आस्ते आस्ते गए, तकरीबन हमें 4 महीने लगे। तो रास्ते में जो मुश्किल हमें पेश आई वो बयान करने के काबिल ही नहीं है कि हमें हमारे साथ रास्ते में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, चाहे जो भी हो हुकूमत पाकिस्तान हो या अदारे हो या खुफिया अदारे हो या एजेंसी के लोग हो, मतलब उन्होंने हमें काफी परेशान की। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा और अपना सफर जारी रखा। तो इस्लामाबाद से पहुंचने से पहले हमने ऐलान किया था कि हम जाके अक्वामे मुत्तहिदा के सामने पेश होंगे। पाकिस्तानियों ने हमसे आज तक ये 4 महीने में कोई बात तक नहीं की और न कुछ हमें तसल्ली दी। तो हम लोग यहाँ से गए, वहां अक्वामे मुत्तहिदा वालों ने रास्ते में मुझे टेलीफोन किया कि मामा आप आएंगे तो हम पहला मुलाकात हमारे साथ ही आपका होगा, तो आप अपना नाम दे दें कौन कौन आप साथ आएंगे, पूरा टीम ले आएंगे भी बात हुई, अगर 2 आदमी आएंगे भी बात हुई है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 2 नाम दे दिए, एक अपना दिया और एक फरजाना मजीद का नाम दिया। तो वहां जब पहुंचे रात को इस्लामाबाद, तो बच्चे जो है ना उनको किसी हॉस्टल में रखा गया, हमें भी और जो हमारे साथ लड़के थे उनको लड़कों के हॉस्टल में रखा गया। तो बीबीसी वाले आए थे, उन्होंने हमें ले गया कि आप आए और इंटरव्यू करते हैं आपको स्टूडियो। हम लोग वहां गए तो यहाँ एजेंसी वालों ने बच्चों को बहुत तंग किया, परेशान किया कि निकलो यहाँ से। फिर खैर हम लोग वापस आ गए, बच्चियां रो रही हैं कि हमें इस तरह की धमकी मिली है। खैर हम लोगों ने वहां अक्वामे मुत्तहिदा वालों को टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि मामा आप परेशान नहीं हो, हमारे बंदे आएंगे 15-20 मिनट में आपको ले आएंगे हमारे पास। तो वहाँ कोई उनका कोई बंदा था, मुलाजिम था, उनके घर में हमें रखा अक्वामे मुत्तहिदा के, वहाँ हम सेफ हो गए। दूसरे दिन अक्वामे मुत्तहिदा के पास हम गए, मुलाकात की, सारा बातें उनको बता दी, सब कुछ उनके सामने भी था रास्ते में भी और वहां। तो उसके बाद जो है ना अक्वामे मुत्तहिदा वालों से हमारी बात हुई, उन्होंने हमने जो पिक्चर थे वो भी दे दी और पूरी लिस्ट उनको हमने दे दिया। उन्होंने कहा कि हमें हमारे कैमरा के सामने दे दे ताकि हम इनको रिकॉर्ड कर रखे, कैमरा के सामने दे दी, बात की, कहता बस ठीक है। दूसरे दिन यूरोपीय यूनियन वालों ने हमें बुलाया, उनसे बात की। तीसरे दिन फिर अमेरिका के सफीर ने बुलाया, उनके पास जाके सब कुछ उनको बता दिया कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो उसके बाद जो है ना बात हो गई हमारी उनसे। उसके बाद जब नवाज शरीफ पे प्रेशर पड़ा तो अक्वामे मुत्तहिदा का, तो उन्होंने हमें बुलाया कि आप आए हमसे मुलाकात करें। तो 6 दिन तक ये हमारे पीछे ले गए रहे। मैंने कहा भाई हम मुलाकात अभी किस तरह करें, इतनी लॉन्ग मार्च की, आपका कोई बंदा हमारे पास नहीं आया, न कोई MNA न कोई MPA न कोई जिम्मेदार शख्स। अब यहाँ पहुंचे हैं तो दूसरों के दरवाजों को हमने खटखटाया, आपका दरवाजा बंद था हमारे लिए। तो इसके बाद फिर उन्होंने 6 दिन तक, फिर मैंने उनको कहा कि हाँ एक शर्त से मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि आपके पास कोई इख्तियार तो नहीं है। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी साहब थे, जनरल कियानी साहब को बुलाए। ISI का सरबरा जो था जनरल पाशा साहब थे, मैंने कहा जनरल पाशा साहब को बुलाए। वजीर दाखला निसार चौधरी साहब थे, मैंने कहा उनको बुलाए। IGFC बलूचिस्तान को बुलाए, बाकी जिसको भी आपने बुलाना है बुलाए,
तो फिर मैं मुलाकात करूंगा। उसने कहा कि हम मुझे ये इख्तियार नहीं है कि मैं जनरल साहब को बुलाऊं या आईएसआई के। तो मैंने कहा फिर आपके पास कोई इख्तियार तो है ही नहीं, आप मुझे खाली बुलाएंगे और ब्रेकिंग न्यूज होगा, बड़े बड़े फोटो छपेंगे मेरे और आपके के जी मामा ने मुलाकात की नवाज शरीफ से, फिर ये बाप जाएगा उधर ही कमीशन पे या इंक्वायरी पे या जीआईटी पे, ये इधर ही दब के रहेगा। पहले कौन सा कमेटियों ने रिपोर्ट अच्छी दी है या इंक्वायरी वालों ने? तो मैंने कहा फिर मैं मुलाकात नहीं कर सकती। फिर हम लोग वहां से वापस आ गए कराची। तो इस तरह ये हमारा लाल मार्च का सिलसिला वहीं खत्म हुआ और कोई उम्मीद हमें पाकिस्तान के अदारों से या पाकिस्तान के इक्तदार वालों से कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आई। अलबत्ता इस पे काफी रिपोर्टें उन्होंने अक्वा मुत्तहदा ने, यूरोपीय यूनियन वालों ने, अमरीकी सिफारतकारों ने अच्छी तरह रिपोर्टें लिखी थी और भेजा था पाकिस्तान। देखिए मामा कदीर, आपने बहुत अच्छे अंदाज के साथ हमें याद दिलाई वो सारी समरी जो आपकी स्ट्रगल 2009 से शुरू होके 2013 के लॉन्ग मार्च से आज हम 2020 में बैठे हुए आपको खराज तहसीन तो पेश करते हैं कि आपने मिसिंग पर्संस इन बलूचिस्तान के मामले को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, लेकिन इसकी आगही अगर नहीं हुई तो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट है, वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट नहीं सुनना चाहती। तो आज के दिन जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ 2020 में दुनिया को मालूम हो गया, तो क्या आपको दुनिया से क्या तोक्कात हैं, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको क्या तोक्कात हैं, और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बहरहाल उनके हाथ में ही सब कुछ है, उनसे क्या तोक्कात हैं कि क्या कोई इम्कान है कि वो इस बात का एहसास करेंगे कि गरीब मजलूम और बेबस लोगों पर जुल्म बंद कर दिया जाए, और अगर वो एहसास नहीं करेंगे तो फिर बैनुल क़वामी कम्युनिटीज़ क्या करें? देखिए सर जी, बात यह है कि हमें बाहर के अदारों से, इंसानी हकों के अदारों से काफी उम्मीदें हैं, उन्होंने हमारी बातें भी सुनी है और उन्होंने अच्छी रिपोर्टें भी लिखी है पाकिस्तान को। एमएनएसटी इंटरनेशनल ने भी अच्छा सा रिपोर्ट भेजा था और सुप्रीम कोर्ट, अपना पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जब हियरिंग शुरू की चौधरी साहब ने, तो उन्होंने भी अच्छी खासी उनको झाड़ा कि चौधरी इफ्तिखार साहब के रिमार्क्स भी हमारे पास है छह सुर्खियों पे के एजेंसियां लापता अफराद रहा करते वगैरह कार्रवाई करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद केस में वजारत दाखिला वजारत दिफा को हुक्म दिया कि 1 नवंबर यानी 2014-15 में जो हियरिंग हुई, तो उन्होंने उस वक्त के 1 नवंबर तक एजेंसियों को की तावील में तमाम लापता अफराद को अतमी तौर पर रहा कर दिया जाए, ये उनके रिमार्क्स थे, वरना एजेंसियों के खिलाफ मौजूद शहादतों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, ये भी उन्होंने उनके रिमार्क्स में है। फिर वो रिमार्क्स में कहता है कि हम धमकियों में नहीं आएंगे, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, कोई ये मत समझें कि अदालत कुछ नहीं कर सकती, मुकम्मल शहादतें मौजूद हैं कि तमाम लापता अफराद खुफिया एजेंसियों की तावील में है, हमें फहरिस्तें और बार बार यकीन दहानी नहीं, 100% प्रोग्रेस चाहिए, वरना चाहिए रोजाना एक ही कहानी दोहराई जा रही है, जरूरत हुई तो शाम तक इस मुकदमे की समाप्त करेंगे, खामखा के बहाने बाजियां न की जाए, दरहकीकत पसंदा में इकदाम किए जाए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद लापता अफराद की बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकी। ये यानी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे हियरिंग के दौरान, बावजूद कोई बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकी, अगरचे चंद अफराद को रहा किया गया, उनका ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से था, जबकि बलूचिस्तान में खुफिया फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार शुदा लापता अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है, ये चौधरी साहब के रिमार्क्स हैं दिल्ली के डेली सर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के टास्क को
इंसानी बुनियादी हकूक और आईन के खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा इस बात की कई सबूत मिले हैं कि लोगों को लापता करने में खुफिया एजेंसियां मुलविस हैं। यानी 6 सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान बदमनी केस की समाअत में अपनी डिप्टी कमिश्नर क्वेटा की पेश करदा रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए सूबाई हुकूमत को लापता अफराद से मुतल्लिक आज जुमेरात का दिन तक हतमी जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। ये भी उनके रिमार्क्स में लिखे हुए हैं, हमारे पास सब रिकॉर्ड मौजूद है। जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने दाखिला और दिफा के वफाकी सेक्रेटरी के हाजिर न होने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वफाकी सेक्रेटरीज को बलूचिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं, कानून नाफिज करने वाले अदारों की कारकर्दगी दिखाई नहीं दे रही है। अगर एक कर्नल को हथकड़ी लगा दी जाए तो फौज में क्या पैगाम जाएगा, मुल्क की बैन-उल-अक़वामी सतह पर बदनामी हो रही है। जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने कहा कि अखबारात में खबर है कि अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द हमारे मामला देखने के लिए आ रहा है, बाहर के लोग हमारे मामला देखने के लिए आएंगे तो इक्तदार के लिए खतरनाक होंगे। आईजीएफसी बलूचिस्तान मेजर जनरल उबैदुल्ला खान ने इतराफ किया कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कारकर्दगी मुतासिर को नहीं। सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान ने बताया कि जून में 70, जुलाई में 48 और अगस्त में 24 अफराद कत्ल हुए हैं। यानी उनके अपने बयानात हैं चीफ जस्टिस के सामने। सर ये सारा हमारे पास मौजूद है चौधरी जस्टिस चौधरी साहब के रिमांड। चीफ जस्टिस ने आईजीएफसी के से लापता अफराद केस के बारे में सवाल करते हुए कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम एफसी के अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दें, अगर एक कर्नल को हथकड़ी लगा दी गई तो फौज में क्या पैगाम जाएगा। उन्होंने आईजीएफसी से कहा कि आप अपनी नाकामी तस्लीम कर लें ताकि गवर्नर और वजीर आला को तलब किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि आईजी ने रिपोर्ट दी है कि लापता अफराद एफसी के पास हैं, जिस पर आईजी ने कहना था कि ये तो बड़ा आसान है कि कोई कह दे फिलहाल के पास हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अवलीन तरजीह लापता अफराद की बाजियाबी है, आप लोग नाकाम हो चुके हैं, हमें पता है कि कानून ने क्या करना है। वफाकी सूबाई हुकूमत और एफसी ने लापता अफराद का मसला हल करने की यकीन दहानी कराई थी, ताहम 3 माह गुजर गए लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा वो है सर, इंसानी हकूक की पाकिस्तान की रिपोर्ट जून 2006 में कहा गया कि पाकिस्तान में शहरियों को गायब कर देने की, ये अभी कौन लिख रहा है, बलूचिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के वाकया पर इंसानी हकूक की तंजीमें थिंक टैंक्स की रिपोर्टें हैं सर, वो भी यही लिखते हैं कि इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट जून 2006 में कहा गया कि पाकिस्तान में शहरियों को गायब कर देने के वाकयात में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मतलब इस तरह के बहुत से हमारे पास रिपोर्टें आई हैं सर। जी बिल्कुल ठीक है, वो आपने सारी समरी यहाँ पे पेश की और इसमें एक बात वाजे हुई कि पाकिस्तान की इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर तंबीही बयानात इस्टेब्लिशमेंट के लिए के बावजूद अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। बैन-उल-अक़वामी सतह पर जो मामा कदीर आपने अवेयरनेस क्रिएट की वो भी बहुत अहम है, अगरचे आप ये अवेयरनेस पाकिस्तान के लिए क्रिएट करना चाहते थे मगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कानों पर जैसे कहते हैं जूं तक नहीं रहेंगी, तो फिर ये आवाज़ बैन-उल-अक़वामी सतह पर पहुंची। आखिर में हमें ये बताइए कि क्या कोई उम्मीद इस वक्त आज के दिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से आपको नज़र आती है, अगर नज़र आती है तो क्या है, अगर नज़र नहीं आती तो बैन-उल-अक़वामी सतह से आपको कोई उम्मीद नज़र आती है? जी जी बिल्कुल, हमें पाकिस्तान के कोई अदारे से उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं है और ना आइंदा उम्मीद नजर आ रहा है हमें।
लेकिन हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज है, हम इसको जारी रखे हुए है और रखेंगे ताकि बैन अवी अदारों तक ये रोजाना की रिपोर्टिंग जो जारी है तो ये पाकिस्तान के लिए एक तमाचा है मुंह पे कि भाई क्या कर रहे हो तुम, तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हो तुम, अकवा मुतहदा चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रहे हो तुम, जितने भी बैन अवी अदारे हैं आपके खिलाफ लिख रहे हैं, आप उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तो हमें यहाँ से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा है। अलबत्ता बैन अवी सतह पे हमें तो बहुत उम्मीद नजर आ रहा है, वो हमारे लिए लिख रहे हैं, किसी न किसी दिन उन पे दबाव जरूर पड़ेगा और अगर नहीं हुआ तो आखिरी हमारे लिए ऑप्शन ये है कि हम, क्योंकि मैं अकवा मुतहदा भी गया था, वहां भी मिला था और जनरल असेंबली में इस बारे में खिताब भी किया था, उनकी मेहरबानी हमें टाइम दे दिया उन्होंने, तो ये सारा सब कुछ हम उनके सामने रख दिया और उनको लिस्टें भी दे दी, ताजा जो लिस्टें हमारे पास थी और जो मर्डर हुए थे उनकी भी हमने तस्वीरें मसलशुदा लाशों की वो भी हमने अकवा मुतहदा को पेश कर दी, तो अभी वो तो उनको लिखते रहते हैं, ये कोई ना कोई बहाना बनाते हैं जी ये लोग यहाँ नहीं है, ये मिसिंग नहीं है, ये इतने लोग हैं, भाई 116 है, 142 है, 145, कम से कम उनको तो मंजर यहाँ पे लाओ, बकौले आपके ये 145 या 142 है, मतलब हम तो 54,000 और 55,000 की दावा करते हैं आपसे और आप कहते हैं कि 116 है, बाबा 116 को तो मंजर यहाँ पे लाओ, चलो बकौले आपके गवर्नमेंट के 116 है या 145 है तो उनको तो मंजर यहाँ पे लाओ जालिमों, उनको भी तुम नहीं लाते हो, मानते भी हो कि मेरे पास है लेकिन उनको भी मंजर यहाँ पे नहीं लाते हो, तो आखिरी ऑप्शन हमारा ये है, अगर ये नहीं हुआ तो हम इंटरनेशनल कोर्ट तक भी मैं जा सकता हूँ इंशाल्लाह ताला। मुझे, मैं जब जनेवा में था तो मुझे 3 मुल्कों के वकीलों ने ऑफर भी दिया, जब मैं जनेवा गया था तो उन्होंने कहा कि एक फ्रांस का था, एक जर्मनी का था, एक स्विट्जरलैंड का था, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा मामा हम नीदरलैंड जरूर आपके पास आएंगे लेकिन आपसे हम इतना खर्चा फीस वगैरह नहीं लेंगे, आपसे हम अपना किराया सिर्फ लेंगे बस। तो मैंने कहा मैं दोस्तों से साथियों से मशवरा करके आपको इंशाल्लाह ये भी सहूलत फराम कर सकता हूँ, उन्होंने कहा जब भी आप चाहें, जब भी आप आए हमें पुकारें, हमारी ये एड्रेस है, ये कार्ड है, हम आपके लिए इस इंसानी हकूक के हवाले से हम बिल्कुल आ सकते हैं। तो आखिरी ऑप्शन हमारा यही है सर, अगर पाकिस्तान नहीं माना या अकवा मुतहदा की बात नहीं मानी तो फिर आखिर हम मजबूरन जाएंगे, छोटा मोटा केस नहीं है, 53,000 या 54,000 बच्चे इस वक्त लापता हैं, उनमें खवातीन भी 300 से ज्यादा खवातीन भी हैं, उनमें 170 बच्चे भी हैं शीरख्वार, 2 साल से लेके 8-10 साल के लोगों तक, जिस तरह जरीना मरी को उठा के ले गए थे 2005 में, तो उसका छोटा बच्चा मुराद नाम था, उसका मुराद मरी उसको भी साथ ले गए थे, अभी अल्लाह बेहतर जाने के उस मासूम वो जिंदा भी है या मर चुका है, ठीक है ना, इतनी जालिम और इतनी जुल्म कर रहे हैं कि एक मासूम बच्चे को भी अब नहीं बख्शते हैं, तो पता नहीं ये कहाँ के इंसान है या किस किस्म के है ये लोग हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो बाकी हमारा आखिरी ऑप्शन यही है सर कि अगर उन्होंने हमें मायूस किया तो आखिरी हम यहाँ इस हद तक भी जा सकते। बहुत शुक्रिया मामा कदीर साहब, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और हम आपके लिए आवाज़ भी उठाते रहेंगे, चूँकि इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर, वो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बुरा इमेज है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे एक बहुत ही बुरा कारमा है और उसकी तलाफी तभी मुमकिन होगी कि मिसिंग लोग सामने आए, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमे हैं तो वो मुकदमे पेश हों और उनके FIR मुचलके पेश हों, ना कि वो मिसिंग रहें, और बहुत सारे मिसिंग ऐसे भी हैं जिनकी बदकिस्मती से लाशें भी मिल चुकी हैं और बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिनकी लाशें भी नहीं मिली। मामा कदीर, आपकी आवाज़, आपका जो पूरे का पूरा जद्दोजहद का सफर है, हम उसको सलाम पेश करते हैं। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों को अल्लाह
इज्जत दे, हमारी आवाज पहुंचाएंगे किसी न किसी जगह तक, ताकि ये गरीब माएं और बहनें और बीवियां बच्चे सारा दिन कैंप में बैठ के रोती है अपने प्यारों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला इनकी दुआएं भी आपके साथ हैं, आप लोगों को अल्लाह कामयाब करेगा इंशाल्लाह, ये आवाज आप लोग हर तरफ पहुंचाएंगे किसी न किसी जगह तक। बहुत शुक्रिया मामा मकदीर साहब। बातचीत कर रहे थे हम बलूचिस्तान से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स के एक बहुत बड़े चैंपियन मामा कदीर बलोच से। आज की व्यूज जो बातचीत थी वो बुनियादी तौर पर एक बहुत ही बड़े बैन अल-क़वामी क्राइसिस के हवाले से थी, बलूचिस्तान जहाँ पर मिसिंग पर्सन्स की तादाद हज़ारों तक पहुँच चुकी है और मामा कदीर की तैयार की हुई फहरिस्त और शवाहिद के मुताबिक 53,000 के करीब लोग हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया कि बलूचिस्तान की आज़ादी की जो बात करते हैं उनके साथ भी बैठकर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ढंग से बातचीत कर सकती है, उनके गिले शिकवे उनके ग्रीवियंसेस को हल कर सकती है, मगर ये जो मिसिंग पर्सन का मामला ये उससे जुदा है। अगर मिसिंग पर्सन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट समिति हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक के साथ हैं और वो समिति हैं कि ये ट्रेजन है, तो वो तो बलोच भी कहते हैं कि आप उस मुकदमे को अदालतों में पेश करें, उस शख्स को जिसके बारे में आपका ये ख्याल है कि वो गद्दार है, कोर्ट अनकोर्ट में गद्दार का लफ्ज़ बरत रहा हूँ, चलिए अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी प्रोविज़न है उसको अदालतों में लाएँ ताकि उनकी फैमिलीज़ को, ये तो मिसिंग पर्सन्स के लिए ये तो एक एहसास सारी ज़िंदगी तक ना रहे कि पता नहीं मेरे भाई को शौहर को बाप को बेटे को क्या हुआ। और सिर्फ बात अब भाई बेटे शौहर की नहीं रही, अब तो बेटियां माएँ बहनें भी मिसिंग पर्सन्स में हैं और इनके कब्ज़े में हैं। बात उन तक नहीं, अब तो शीरख्वार बच्चों की भी बात है जिसका जिक्र मामा कदीर कर रहे थे। आखिर में मैं सबसे पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा, ये अपील करूँगा कि खुदा के लिए आप तो खुदा पे बिलीव करने का दावा करते हैं, कुछ तो खौफ खुदा करें। इन पर जो जुल्म है, असल में वो सिर्फ इन पर जुल्म नहीं है, आप पूरी रियासत पर जुल्म कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि इनकी आहें पूरी रियासत के लिए कितना बड़ा एक काला धब्बा भी है और उसके साथ साथ वो जिसे कारमा कहते हैं वो भी है। हम बैन अल-क़वामी कम्युनिटी से पहले, सबसे पहले पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से एक बार फिर ये अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए अब पुकार सुन लें गरीबों की, मजलूमों की, बेबसों की, और उन लोगों को सामने ले आएं, उनके मुकदमे बना दें, उनको अदालतों में पेश कर दें, मगर मालूम तो हो उनके साथ क्या हो रहा है। टैग टीवी पर हम ये बातचीत उठाते रहेंगे और आइंदा के कुछ शोज़ में ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसमें भी बातचीत करेंगे कि आज़ादी की जद्दोजहद क्या होती है। कभी कभी मुझ पर भी पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट और उसके ट्रोल के ये लोग कहते हैं कि आप बलूचिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी या उनकी आज़ादी की जो बात होती है उसको सपोर्ट करते हैं, कश्मीर का जो हमारा नैरेटिव है उस पर बात नहीं करते। उसका भी मैं किसी दिन नितारा करूँगा कि वो नैरेटिव क्या है और इनका नैरेटिव क्या है, लेकिन मैं आज़ादी के नैरेटिव में आज नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी के नैरेटिव पर हूँ। और इस तरह के हसास मौजूआत पर अगला शो आप जल्दी देखेंगे मेरे साथ टैग टीवी पर। आज का शो देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता, आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को
अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे।